जहाज छूटने का टाइम हो गया है। सामान उठाओ और जीप में बैठो। मेरे विघ्नम कुरमे देव शुभ कार्येषु सर्वदा अनन्त त्वा गणपति गौरवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गौरवामहे व्यसो मम वरवधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ए, चलो उतरो। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाह स्वस्ति न भूषा विश्वावेदा। अरे शुरू होते ही ये लाइट क्यों चली गई? जरा देखे तो। अरे बिहारी रामू जी साहब, ये झूमर कैसे बंद हो गए पता करो। मैं अभी देखता हूँ साहब। देखो क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं साबित करना चाहता हूं कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान है। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है। सुन दे, जिस रात काजल और राजा बंगनी की पार्टी में आ रहे थे तभी रास्ते में तेरे बाप के खरीदे हुए कुत्तों ने अगवा कर लिया था काजल को, कपड़े फाड़ दिया उसके, नंगा कर दिया उसको, अरे जानवरों जैसे सलूक किया उसके साथ। तब तेरे दोस्त राजा ने इज्जत बचाई थी उसकी, और जब उस डरी हुई सहमी हुई बच्ची को एक भाई की तरह तसल्ली दे रहा था, दिलासा दे रहा था, उस वक्त तस्वीरें खींची गई थी जिसे कुछ और ही रंग देकर पेश किया था सबके सामने तेरे बाप ने। राजा चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं निर्दोष हूं, बेगुनाह हूं, मगर तुझे यकीन नहीं आया। तब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कल रात राजा ने इसी हादसे को फिर से दोहराया। वो उसी तरह मधु को उठाकर ले गया और तूने भी उसी तरह मधु की इज्जत बचाई। और जब इस डरी हुई सहमी बच्ची को तो दिलासा दे रहा था ना, उसी वक्त तस्वीरें खींची थी हमने ताकि तेरे आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अभी तुझे यकीन नहीं आता ना, तो पूछ इस कमीने से जो तेरे बाप की साजिश में बराबर का हिस्सेदार है। कमीने बोल, पुलिस के सामने बोल। साहब मैं सच सच बोलता हूँ साहब, साहब मैं गुनहगार हूँ। उस दिन पार्टी में मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था, और ऐसा कहने के लिए आपके पिताजी ने मुझे 2,00,000 रुपए दिए थे साहब। मतलब ही बदल दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों बर्बाद की मेरी जिंदगी? जोड़ दो मुझे, जोड़ दो, मैं इसे मार डालूंगा। नहीं जोड़ूंगा इसे, ये गुनहगार है। जोड़ दो मुझे, मैं इसे मार डालूंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तू गुनहगार है। नहीं जोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं जोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे, मार डाल। अजय ये क्या कर रहा है तू? ये तेरा बाप है, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। छोड़ दो मुझे, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, छोड़ दो।
इस आदमी ने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। छोड़ दो मुझे, ये मेरा बाप नहीं हो सकता मधु, ये मेरा बाप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे आदमी जानवर पालता है तो उसके साथ भी लगाव हो जाता है, लेकिन इससे इससे तो अपनी औलाद के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। मधु ये मेरा बाप नहीं हो सकता, मधु मधु ये मेरा बाप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरा बाप। अपने आप को संभालो अजय, भगवान के लिए अपने आप को संभालो। बर्बाद हो गया मधु, इस आदमी ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, इस आदमी की वजह से मैंने अपनी मोहब्बत पे शक किया, अपने भाई जैसे दोस्त पर हाथ उठाया मैंने, और आज इसकी वजह से मैं इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। नहीं मधु, मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं मधु, मैं जीना नहीं चाहता मधु, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता। अजय, अजय, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, जो तुम पर बीत रही है वो दर्द मैं भी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अपनों ने मेरा दिल भी तोड़ा है, मुझे भी धोखा दिया है। लेकिन अजय, ये वक्त अपने आप को सजा देने का नहीं है, ये वक्त है उनसे माफी मांगने का, जिनकी जिंदगी हमारी वजह से नर्क बन गई। हाँ अजय, हम उनके पास जाएंगे, उनके पैरों पर सर रखकर उनसे माफी मांगेंगे, तभी हमारे गुनाहों का प्रायश्चित होगा अजय, तभी हमारे गुनाहों का प्रायश्चित होगा। ये सच कह रही है बेटा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए जा उन्हें रोक ले, क्योंकि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़ के जा रहे हैं बेटा। एक बात सुनो, दोबारा इस शहर में दिखाई दिए तो गोली मार दूंगा, समझे? चलो काजल। चलने की तैयारी करो, लिफ्ट द एंकर। ए, कहाँ जा रहे तू? सर, सर, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तुम जल्दी से क्रेन को बुलाओ और गैंगवे हटाने की तैयारी करो। सर, सर ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है सर, सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। ओके, जाने दो इनको। थैंक यू सर।
बहुत बड़ी गलती हो गई राजा। बस अजय। राजा मुझे माफ कर दे राजा। बस अजय बस। काजल नहीं, काजल माफ कर मुझे, माफ कर कुछ नहीं। आपने फोन करके ये शिप आधा घंटा लेट क्यों करवाया? अगर आज ये जहाज चला जाता ना, तो हम अपने बच्चों की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाते। जिंदगी भर हमने गरीबों को कीड़े मकोड़े समझा, किसी नाली की गंदगी समझा, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि दौलतमंद होने के बावजूद भी हम कितने गरीब हैं। हमारी सच्ची दौलत तो तुम हो मेरे बच्चों, तुम हो। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन जब माँ बाप से गलती हो जाए तो बच्चों का भी फर्ज है कि उन्हें माफ कर दे। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो डैडी। ऊपर वाले तेरा खेल निराला, कुत्ते की दुम को सीधा कर डाला।